पाया और मैं टूट गया हूँ। ये तमाम बातें अमिताभ बच्चन ने ट्वीट के जरिए कही है, अपनी श्रद्धांजलि दी है ऋषि कपूर की, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब एक तरीके से एक के बाद एक जो लगातार दुखद खबरें आ रही हैं उसको लेकर वो टूट चुके हैं। अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे, और उससे कुछ ही देर पहले ऋषि कपूर के निधन की खबर आई। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया और एक लंबा अभिनय का सफर उन्होंने तय किया। 2018 में कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद न्यूयॉर्क में उनका इलाज चल रहा था, वापसी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब भी वापस लौटना चाहते थे, अभिनय करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये हो पाता उनके निधन की खबर आई। कल तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज सुबह अभिनेता ऋषि कपूर के निधन की खबर। मेरे सहयोगी राजदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजदीप, मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से 2 अप्रैल का ये ट्वीट था ऋषि कपूर का, जिन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति वायलेंस, स्टोन थ्रोइंग, लिंचिंग ना करे, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, पुलिसमैन, इन सब का सम्मान करें, जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनका साथ दें, क्योंकि ये हमारी जान बचा रहे हैं। तो कोरोना वॉरियर्स को लेकर उनका ये ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था अंत में, प्लीज इन सब का सहयोग करें, इनका सम्मान करें, जय हिंद। बिल्कुल, देखिए ऋषि कपूर